Hello student, this is exercise 1.5. Question number A. Find two rational numbers between 1.5 and 1.3. 1.5 और 1.3 के बीच हमें टू रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. और किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में याद रखिएगा, हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं. 5 एंड 3 का एलसीएम लिया. आपको एलसीएम अच्छे से लेना आता है, ठीक है. ये एलसीएम आया हमारे पास 15. अब कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स. 3 1 3 यहाँ एंड है तो इसको ऐसे लिखेंगे. और कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स. तो हमारे पास दो नंबर आ गए, 3/15 एंड 5/15. लेकिन यदि हम न्यूमिनेटर जो है डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है, इसके बीच देखेंगे तो हमारे पास केवल 3 के बाद 4 और 5 एक ही नंबर आ रहा है. उस कंडीशन में और हमें चाहिए 2, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में इजी करने के लिए हम नंबरों को, दोनों ही नंबर को 10 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर लेते हैं. ये हमारे पास आ गया 30/150. और नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास है 5/15 जो है, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ये आ गया 50/150. अब आपके पास नंबर क्या हो गए, 30 upon 152, 50 upon 150. और इसके बीच में आपके पास बहुत सारे रैशनल नंबर हैं. आपकी जो भी कोई इच्छा है वो रैशनल नंबर ले लीजिए. मैं ले रही हूँ 31/2 ले लेती हूँ, 31/150. दूसरा ले सकते हैं 32/150. और आप चाहें तो बहुत सारे इसके बीच में आपके पास देखिए कितने सारे 20 रैशनल नंबर है, उनमें से कोई भी दो रैशनल नंबर आप ले लीजिए. और ये हमेशा उसके लिए भी है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 10 से. और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर आर इक्वल, -9/12 और 8/-12. बी का फर्स्ट -9/12 एंड 8/-12. अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है -3/4. और ये वाला नंबर हमारे पास आ रहा है, इसको भी रिड्यूस कीजिए, किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से. 4 2 जा एंड 4 3 जा. तो ये हमारे पास आ गया -2/3 और ये आ गया -3/4. सो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, ठीक है. एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूं, -16/20 -16/20 एंड नेक्स्ट नंबर इज 20/-25. रिड्यूस करते हैं, 4 4 जा 4 5 जा. तो ये आ गया -4/5. इसको भी रिड्यूस करके देखते हैं, 5 4 जा 5 5 जा. ये आ गया आपके पास -4/5. देखिए माइनस नीचे तब भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ऊपर ले जा सकते हैं. हमने पढ़ा था डिवाइड, प्लस माइनस, माइनस होता है ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तब भी माइनस आएगा. दोनों सेम हैं तो दे आर इक्वल, ये दोनों रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 7. 4/7 and 5/9.
फोर अपॉन सेवन एंड फाइव अपॉन नाइन, सेम वैसे ही एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया आपका 63, कितने टाइम्स आता है, नाइन टाइम्स, नाइन फोर जा 36, कितने टाइम जाता है, सेवन टाइम्स, तो ये आ गया 35। आप देखिए हमारे पास दो नंबर हो गए, 36 अपॉन 63 एंड 35 अपॉन 63, लेकिन इन दोनों नंबर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो हम इजीली नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही नंबर को 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, इंटू 10 और इसको भी हम करेंगे 35 इंटू 10, तो ये आपके पास नंबर क्या आ गए, इधर आ गए 360 अपॉन 630 और इधर नंबर आ गया 350 अपॉन 630। अब इस दोनों नंबर के बीच आपको क्या दिख रहे हैं, इजिली 10 तो हम निकाल ही सकते हैं, तो हम कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं यहां से शुरू कर रही हूं 351 अपॉन 630 और 352 अपॉन 630, वरना और भी बहुत सारे आ सकते हैं, 359 अपॉन 360, 358 अपॉन 360, ऐसे करके आपको 3 चाहिए, एक तो और एक और नंबर ले लेते हैं 353 अपॉन 360। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर, डी कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है -4/11 एंड 3/11। देखिए ऐसे में हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे इस तरीके से, तो ये आ गया -44 और इस साइड आ गया 33। अब इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, ये 33 ग्रेटर है, माइनस के जो है प्लस से कम होता है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम कह सकते हैं इस साइड वाला ये है 3/11 इज ग्रेटर। सब में ऐसे ही करेंगे और इस तरीके से आप ग्रेटर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई, यहां पे भी हमको कंपेयर करना है, कंपेयर में हम क्या करते हैं, साइन लगाते हैं, सिंबल्स लगाते हैं, कंपेयर में हम लोग ये सिंबल्स और चाहे तो ये वाला इक्वल टू, अगर इक्वल है तो। पहला क्वेश्चन ले रही हूं 6/12, 6/12 -3/6, सेम वैसे ही करके देखिए 36 और ये कितना हो गया 12 3 36, माइनस का 36, तो कौन सा छोटा है, ये वाला स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो इट मींस आपने रफ पे करके देखिए, और ये जिस तरह बड़ा जो बड़ा होता है वहां पर बड़ा वाला ये ओपन वाला माउथ इसका आता है इस सिंबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमारा इक्वल आ जाता है, जब हम क्या कर रहे थे, दो रैशनल नंबर, तीन रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच ढूंढ रहे थे, तो हम मैंने बताया था कि 10 से ही मल्टीप्लाई करते, जरूरी नहीं है आप 100 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, तो लेकिन जनरली हम लोग किससे करते हैं, 4 से 3 से किसी से भी कर सकते हो, लेकिन 10 से 100 से, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाता है इसलिए हम करते हैं। ई वाला अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, 2/5, -1/2, -8/-15 और लास्ट वन इज -3/-10। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो 3/10 रह गया। अब इस तरीके के असेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे पहले छोटा, उससे बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा सोन,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन चारों जो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे, 5, 2, 15 और 10। ये आ गया 2 से कर लेते हैं, 5, 1, 15 और 5, 5 से 1, 3, 1 और 3 से 1, 1, 1, 5 3 15, 15 2 30। आप देखिए कितने टाइम्स आ रहा है, ये 6 टाइम्स 6 2 12 कॉमा कितने टाइम्स आ रहा है, 15 टाइम्स 15 1 15 माइनस का 15, ये माइनस ऊपर आ जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स 2 8 जा 16, लेकिन माइनस का 16 ये सिंबल यहां आ गया। कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम्स 10 3 जा 30 और 3 3 जा 9। अब अरेंज कर लीजिए इस नंबर को, हमें पता है सबसे छोटा इंटीजर, जैसे जैसे हम माइनस में जाते हैं हमें पता है माइनस वन जो है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, और जैसे जैसे माइनस से दूर जाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर आने लगता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 16 है। अब 16 किसका आया था, ये हो गया -8/-15, उसके बाद 15 था मीन्स -1/2, After that 9, 3/10 और फिर है 12, 2/5 और इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर सेम इसी को डिसेंडिंग में लिखना होता तो रिवर्स हो जाता, ये पहले आता उसके बाद ये फिर ये फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। स्टूडेंट डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।